हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ फिर से नई रेसिपी के साथ हाजिर हो गई हूँ। आज मैं बालूशाही की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलिए देखते हैं मैं कैसे बनाई। तो उसके लिए मैं 3 कप मैदा ली हूँ। एक कप उसमें मैं दही डाल दी हूँ, चुटकी भर नमक, थोड़ा सा मीठा सोडा, ये बेकिंग पाउडर है मैं उसको भी 1/2 चम्मच डाली हूँ। सबको मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच घी डाली हूँ या रिफाइन ऑयल, जो भी आपके पास है आप डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसे बिना पानी से ही अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। यदि आपके दही के मात्रे कम हैं तो थोड़ा सा पानी देके आप मैदे को लगाइएगा। अब मैं चाशनी बना लेती हूँ। तो 1.5 कप मैं चीनी दी हूँ, उसमें मैं 1 कप पानी डाल दी हूँ। अब मैं इसे धीमी आंच पे पिघलने देती हूँ। देखिए मेरा चाशनी ये बनके तैयार हो गया है। देखिए एक तार आने लगा है, तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और इसमें मैं नींबू का रस निचोड़ देती हूँ ताकि मेरा रस जमे नहीं। इसमें मैं थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल देती हूँ। इधर मैं तेल भी गरम करने के लिए रख दी हूँ। तो देखिए मेरा तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं इसका बालूशाही तैयार कर लेती हूँ। तो 1 लोई ले ली हूँ मैं, इसको मैं इस तरह से गोल करके बीच से चिपटा कर दी हूँ। मैं पेड़े जैसा सबको मैं बना लेती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं सेक लेती हूँ, ज़्यादा हीट गरम भी नहीं है, एकदम से कम गरम भी नहीं है। तो मैं मीडियम में इसे तल लेती हूँ। एकदम को फ्लेम को मैं एकदम से लो कर दी हूँ, इसे मुझे तलना है एकदम लो फ्लेम पे ताकि ये अंदर तक एकदम से सिके और खास्ता हो जाए। इसको सेकने में मुझे 10 मिनट लग गए थे और इस तरह से मैं इसे धीरे धीरे फ्लेम में मैं इसे सेक ली हूँ। जब तक ये एकदम डीप ब्राउन ना हो जाए तब तक मैं इसे नहीं निकालूंगी और इसे अलट पलट के इसी तरह से मैं सेकते रहूँगी। तो देखिए इसका कलर एकदम से ब्राउन हो रहा है। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसे मैं तेल थोड़ा सा साइड कर ली हूँ, तो तेल जो भी होंगे एक्स्ट्रा वो निकल जाएंगे। तो इस तरह से मैं दूसरा बेज भी इसी तरह से मैं तल लेती हूँ और उसको मैं चाशनी में डाल दी हूँ। इसे मैं चाशनी में 10 से 15 मिनट छोड़ दूंगी ताकि अंदर तक चाशनी चले जाए।
और इसी तरह से पलट पलट के मैं चाशनी में डुबोए रहूँगी। तो देखिए मेरा बालूशाही बनके तैयार हो गया। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं।